हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में लेट अस सी अबाउट कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स इन द यूरिन। सो रिमेंबर, कैल्शियम ऑक्सलेट इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ क्रिस्टल्स व्हाट यू सी इन द यूरिन। सो यू कैन रिमेंबर, इट्स ऑक्सलेट, इट इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ अ क्रिस्टल एंड ऑक्सैलिक एसिड। सो इट्स मोस्ट कॉमनली सीन इन एसिडिक यूरिन। And I told you that you can see this in normal urine also. The very presence of calcium oxalate अगर urine में मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि patient को कोई calcium stone है etc. नहीं है, ये normal urine में भी हम कई बार देखते हैं। And ये जो calcium oxalate stone रहता है, ये colorless रहता है। And इसके दो forms रहेंगे, एक monohydrate form and एक dihydrate form. So this you can see the monohydrate which is dumbbell shaped. ये हम काफी टाइम जब यूरिन माइक्रोस्कोपी में देखते हैं, वी कैन सी दिस। एंड दिस इज द डाइहाइड्रेट फॉर्म और द एनवलप शेप्ड फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। सो आई हैव टोल्ड यू दिस आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स एंड सी यू कैन सी द मोनोहाइड्रेट फॉर्म। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म विच वी सी। कभी कभी हम डबल शेप देखते रहते हैं, वो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स है। एंड ये डाइहाइड्रेट फॉर्म जो है, ऐसे ये ऑनवलप के तरह जो देखा जाता है, वो डाइहाइड्रेट फॉर्म है। सो मैंने बताया है ये मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ अ क्रिस्टल है जो हम यूरिन में देखते हैं, एसिडिक यूरिन में देखते हैं, मोनोहाइड्रेट एंड डाइहाइड्रेट फॉर्म में देखते हैं, डंबल शेप रहेगा एंड ऑनवलप शेप रहेगा। एंड ये सोल्यूबल भी है, अगर हम थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करें यूरिन में, ये सोल्यूबल भी हो जाता है। सो एक्चुअली ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते क्या है? सो ये जो होते हैं, ये कैल्शियम एंड ऑक्सलेट मिलके बनते हैं। सो व्हेन दिस कम्स इन एसोसिएशन, व्हेन दिस ऑक्सलेट कम्स इन एसोसिएशन विद द कैल्शियम, तो ये स्टोन्स फॉर्म्स होते हैं। सो कहाँ पे आते हैं ऑक्सलेट? जो भी हम फूड खाते हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स, ऐसे में जो ऑक्सलेट्स रहेंगे, ये कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है एंड दिस फॉर्म्स द क्रिस्टल्स। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्टोन विच यू कैन सी इन द किडनी। किडनी स्टोन्स डिफरेंट कैटेगरीज के रहेंगे, तो कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, स्ट्रोवाइट स्टोन, सिस्टीन स्टोन एक्सेट्रा। एंड दिस कैल्शियम स्टोन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अ स्टोन व्हाट वी सी इन किडनी स्टोन पेशेंट्स। सो ये कैल्शियम स्टोन कैसे फॉर्म होगा? ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स है, दे विल प्रिसिपिटेट एंड दे विल कम टूगेदर एंड वो ऐसे बड़े स्टोन फॉर्म कर सकते हैं। So what causes calcium oxalate crystals? आप इनफ पानी नहीं पी रहे हो, यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। तो क्या हो रहा है, ये जो क्रिस्टल्स है वो प्रिसिपिटेट हो रहे हैं। आपके डाइट में आप ज्यादा ऑक्सलेट ले रहे हो, आपके डाइट में ज्यादा प्रोटीन है, ज्यादा सॉल्ट ले रहे हो, जिससे कि ये ऑक्सलेट प्रिसिपिटेट हो सकता है। देर आर सर्टन कंडीशन जो ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स का प्रिसिपिटेशन को ज्यादा करता है, फॉर एग्जाम्पल हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में एंड इन केस ऑफ इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज। इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज में क्या हो जाता है, जो पेशेंट को एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम रहता है, तो उनका फैट ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता। जब वो फैट ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है, दैट फैट कंबाइंस विद द कैल्शियम। जब कैल्शियम चला गया फैट के साथ, तो ऑक्सलेट बच जाएगा। ये जो ऑक्सलेट है वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा एंड देन दे कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स ऑल्सो। सिमिलरली अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी क्रॉन्स डिसीज एक्सेट्रा, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, you can see this stones also. And also जिस patient में ये surgery हो जाता है, weight loss surgery, that time also क्या हो जाता है, calcium absorption नहीं ठीक से नहीं होता है हमारे stomach से, so that will lead to increase oxalate and वो crystallize होके it can lead to stones also. In if at all the calcium oxalate के stones को हमको रोकना है और if you have to reduce the incidence, you should always drink enough fluids. You should avoid eating too much of protein. Protein in moderation is always good. Too much of protein is not advised. You should eat less salt. Why? Because whenever there is more salt, it will take calcium with it. And whenever it will take calcium with it, there is
two things which are happening. One is your bones are going to weaken, and then this calcium will combine with the oxalates and form such kind of a stones. You should include right amount of calcium, not more, not less. You should avoid taking vitamin C supplements because that will increases the oxalates in the urine, and you should eat less of an oxalate rich food. Jaise ki bananas hai ya papaya hai, these things are having less of oxalates, like potatoes, yams ho ya to pumpkin ho, eggplant ho, processed meat ho, in sabhi mein oxalates ज्यादा रहते हैं, एंड देर आर चांसेस दैट यू विल डेवलप द कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स. सो कैल्शियम ऑक्सलेट इट इज अ कलरलेस क्रिस्टल, बाई रेफ्रिंजेंट क्रिस्टल, मतलब ए रेफ्रेक्टाइल रहता है, ऐसे ऑनवलप शेप्ड में रहता है, मोस्ट कॉमन क्रिस्टल है. एंड ऑल्सो रिमेंबर देर आर टू फॉर्म्स, वन इज मोनोहाइड्रेट एंड वन इज डाईहाइड्रेट. मोनोहाइड्रेट हमारे डम्बल शेप में रहेंगे जो हम यूरिन में देखेंगे, एंड डाईहाइड्रेट यू कैन सी दे आर इन दिस ऑनवलप शेप्ड crystals. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.